हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं प्रांश सरपंच, आप देख रहे हो सरपंच 07 व्लॉग। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। और अभी बज रहे हैं शाम के 3। आज की व्लॉग की शुरुआत हम शाम को कर रहे हैं और आज है एक मिनट की तारीख 11 अप्रैल 2024। मैं हूँ अभी घर पर और आज है हमारा डे नंबर इलेवन ऑफ आवर चैलेंज। तो भैया चलते बाहर क्योंकि रतनपुर चलना है। आज दिन भर से कुछ व्लॉग शूट नहीं करा, टाइम ही नहीं मिला व्लॉग शूट करने का, तो अब चलते रतनपुर जाना है। कुछ काम है, वैसे ट्रैक्टर लेके आना है फुफा जी घर से, क्योंकि भाई अब गेहूं तुलने वाले तो कम से कम 10-12 ट्रैक्टर तो चाहिए ना। क्योंकि भाई देखो, पहले का प्लान क्या था बताता हूँ। पहले सोच रहे थे कि ट्रक से तुलवा देंगे, मतलब ट्रक लाएंगे जिससे भर के तुलवा देंगे, पर उसमें वो प्लान ड्रॉप आउट इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारे भाऊजी ने मना कर दिया। बोलते ट्रक कहाँ लेके जाओगे, कुछ होगा ये वो, तो वाला प्लान ड्रॉप आउट करना पड़ा। मैंने पहले यही सोचा कि अपना नसरू चाचा या फिर इधर अपने किसी के पास जो अपनी उदयनगर पे काम चल रहा है ना, वो ही वाला वहाँ पे ट्रक खड़ा है, जेसीबी खड़ी है, वहाँ से दोनों लाएंगे, यहाँ पे खड़ा करेंगे, जेसीबी से भरवाएंगे पूरे गेहूँ ट्रक में, एक बार में चले जाएंगे। पर वो प्लान ड्रॉप आउट करना पड़ा, तो ट्रालियाँ करनी पड़ेगी 12-13, क्योंकि इतने सारे एक बार में जाना भी तो चाहिए। तो गाइस चलते हैं, मैं चलता हूँ क्योंकि चाचा को लेके जाना पड़ेगा। ट्रैक्टर कौन चला के लाएगा और फिर गाड़ी कौन लेके आएगा वापस, तो मैं जाता हूँ उनके साथ, उनको वहाँ छोड़ के वापस आएंगे। तो मिलते हैं आपसे डायरेक्ट रतनपुर में। 1 eternity later हम के 5 बज गए और भाई देखो, मैं रतनपुर आया था, देख सकते हो रतनपुर आया था, गाड़ी खड़ी, पूरा व्यू देखो भाई, खेत पर रहे, खेत पर आया था भाई। यहाँ से देखो ऐसा है कि ये वाला रास्ता है ना, वो वहाँ बहुत दूर पहाड़ी टाइप दिख रही ना, वहाँ पे मेन रोड पर कभी जैसे घूम के आए तो पूरा पड़ेगा अपने को 5 किलोमीटर का फिर। पर ये ट्रैक्टर जा रहा है और भाई डोंट नो भाई गाड़ी निकलेगी नहीं, पर मेरा दिल कर रहा है भाई यहाँ से निकाल दो भाई। अब पता नहीं क्या होगा, पर भाई मैं जा रहा हूँ भाई, ये रास्ता ले रहा हूँ भाई, क्या होगा पता नहीं। और भाई ब्लॉग भी अपलोड नहीं करा, ब्लॉग भी अपलोड करना भाई, जल्दी घर पहुँचना है भाई। देखो ऐसा है क्या, पल्सर की बिल्ड क्वालिटी के ऊपर है कि यहाँ से निकलती है कि नहीं, पर ये रास्ता नहीं करनी है मेरे को, क्योंकि भाई इधर से घूम गया हूँ 5 किलोमीटर लगभग, मेरे को ज़्यादा जाना पड़ेगा ये वाला रास्ते से, मतलब ये कच्चा वाला है 2-1 किलोमीटर तक, उसका मेन रोड है। पर मेरा दिल कर रहा है कि इधर से चलते हैं। तो गाइस अब देखो तुम्हारा भाई यहीं से जाएगा, तो गाड़ी चालू करते और चलते भाई, मरने के काम करना भाई, मुझसे कोई सीखे, गाड़ी चालू करो। और भाई देखो गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है क्योंकि हमको पेट्रोल पर हाँ। तो भाई मैं ये कह रहा था कि भाई तुम्हारे भाई ना गाड़ी में पेट्रोल डलवाने, मैंने बोला सोचा कि ज्यादा टाइम डलवा लेंगे, पर भाई दिल कर रहा है ये वाला रास्ता लेते, पता नहीं कहाँ जा रहा है, ऊपर तुम्हारा भाई जा रहा है भाई, क्या पता जिंदगी से प्यार नहीं है इसलिए मरने का काम करता हूँ। कभी इसका खेत वाला आ गया और मेरे को कुछ बोल दिया भाई, पर देखो भाई इससे मेरे 15-20 मिनट बच जाएंगे, टाइम इज मनी, तो भाई मनी बचाना हमसे सीखे बचपन से, या तो गाड़ी टूटेगी या फिर रास्ता मिलेगा। तो भाई देखते हैं चलते हैं क्या होता है भाई, एक हाथ से हम गाड़ी नहीं चला सकता क्योंकि थोड़ा गीला भी है और गाड़ी चलेगी भी नहीं। तो भाई मैं फ़ोन रखता हूँ आपको, डायरेक्ट मिलता हूँ, कभी रास्ता मिलता तो भाई देख लो भाई, इसलिए रिस्क नहीं लेते भाई। चलो यहाँ पर रास्ता तो बना हुआ है, बोलो ये कहाँ जाता है भाई, गिरी थी गाड़ी, मैं आपसे डायरेक्ट वहीं मिलता हूँ ना। A few moments later. गाइस मिशन सक्सेसफुल, मिशन डन भाई, फाइनली हम मेन रोड पे आ चुके हैं और वहाँ से उधर से आए भाई इस वाले, मैंने बताया वहाँ से उधर से गाड़ी नहीं चढ़ाई, मेरे को लगा ये सीधा रास्ता यहाँ आ जाएगा, तो मैं ये पेड़ देख रहा हूँ ये वाला, इस पेड़ से लेकर आया और यहाँ भाई ऐसी जगह पे चढ़ाई, इतनी मुश्किल से गाड़ी चढ़ी ना, पर जड़ गई भाई। अब चलते हैं घर, फाइनली अपन मेन रोड पर पहुँच चुके हैं और भाई व्यू देखो भाई, क्या व्यू, तगड़ा व्यू है ना, थंबनेल ले लेता हूँ, थंबनेल तो सही आया होगा। तो अब चलते घर की तरफ, बहुत बकवास कर ली क्योंकि व्लॉग अपलोड नहीं करा, 5:30 बज चुके हैं और कभी घर पहुँचते पहुँचते 5:30 बज जाएंगे, उसका व्लॉग अपलोड करूँगा आज, तो व्लॉग भी लेट आएगा, सुबह से पता नहीं क्या टाइम पास कर रहा हूँ। मैंने बोला 4 बजे व्लॉग एडिट करने जा रहा हूँ, पर यहाँ आ गया रतनपुर और यहाँ भाई फूफा जी के पास आया था, तो भाई पता नहीं चला कब टाइम निकल गया। तो अब चलते घर की तरफ, A few inches later. मैं अभी घर आया हूँ वहाँ से रतनपुर से भाई, घर तो मैं बहुत देर कागज पर ब्लॉग एडिट कर रहा था क्योंकि भाई ब्लॉग एडिट नहीं था, ब्लॉग एडिट करा अपलोड करा, एग्जैक्ट 5
5:59 मतलब 6 बजने में 1 मिनट की देर है और व्लॉग अपलोड हो चुका है और अभी भी 10-15 मिनट लग रहा है चेकिंग में, क्योंकि वो एल्गोरिथम मतलब गलत अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस चेक हो रही है, तो 10 मिनट लेट आएगा व्लॉग पर, सॉरी गाइस। कभी आप नेक्स्ट व्लॉग देख रहे हो तो दिल से माफ़ी चाहता हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया। तो अभी चलते हैं बाहर क्रिकेट खेलेंगे। 2000 years later. पहुँचते जी ग्राम में, अभी यहाँ पे हम क्रिकेट खेल रहे थे इस ग्राउंड में, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, कैच आया था तो मैं डायरेक्ट जाकर बखर के ऊपर, दोनों पैर मैंने ध्यान दिया ऊपर, ध्यान था कैच के लिए, तो डायरेक्ट बखर के ऊपर मतलब ऐसे दोनों हाथ और फेस बखर के मुँह उधर में, भाई नहीं भयंकर गिरा, दोनों पैरों में इधर भी और इसमें भी और यहाँ क्या बोलते हैं इस वाले हाथ में भी, और पता है घुटने में इतनी तेज लगी है नींद में कि उठ नहीं पा रहा भाई, 5 मिनट से यहीं बैठा हूँ, बहुत तेज दर्द कर रहा। अभी चलते हैं डुगवंज का है, मैंने कहा बैट बॉल रख के आओ, चलते भाई, पूरा पता है पैर में ब्लड आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक छिला चुका है भाई, उठने की नहीं बन रही, तो गाइस चलते। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेक केयर, मैं भी चलता हूँ डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा।